लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं के सामने सांसद प्रियंका सिंह रावत के आंसू छलक पड़े। इस दौरान सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आखिर उनकी गलती क्या थी जो टिकट काट दिया गया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं और सांसद के समर्थकों ने शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी की गई, आक्रोश जताया गया है, भाजपा बचाओ के नारे भी लगाए गए। सांसद के घर पहुंचे समर्थकों को जब उन्होंने समझाया तो वे वापस घर लौटे। भाजपा सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटे जाने से वह इस कदर आहत हुई हैं कि नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया। सांसद ने कहा कि अब उधर से जवाब आएगा, उसके बाद ही रणनीति तय करेंगे। पूरे समाज के लिए मैंने काम किया, एक बाईपास सेंक्शन नहीं करा पाता, यहाँ पर मैंने 6-6, 7-8 मैंने करवाए हैं। क्या क्या नहीं करवाया गरीबों के लिए, जनता के लिए क्या क्या नहीं करवाया, और मेरी मेहनत का, दिन रात मेहनत का मुझे सिला ये मिला है। इनसे गलती कहीं हुई नहीं है। जितने सांसद यहाँ पर आए हैं, अपने जितना विकास किया है सांसद जी ने, उतना कोई सांसद विकास नहीं किया है।